दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं ताकि आप उसे बाद में भी देख सकें, या फिर आप एक टीचर हैं, आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, या फिर आप मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, आप ट्यूटोरियल वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फिर दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छा और एक प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर की। और दोस्तों, अगर आपका बजट नहीं है फिर आप फ्री का स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढते हैं जो कि एक्चुअली में फ्री नहीं होता है, उसमें आपको वाटरमार्क मिलता है या फिर टाइम लिमिटेशन मिलता है, लेकिन वो फ्री नहीं होता है, या फिर उसके जगह पे आप क्रैक वर्जन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप जितना देर रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी वाटरमार्क नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने माइक या फिर सिस्टम के साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहां तक कि आप फुल स्क्रीन एचडी गेम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डर का डेमो दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर के वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहीं पे देखिए आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आपको इस आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर के सेटअप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका साइज है सिर्फ 28.5 MB। डाउनलोड हो जाने के बाद से अब आपको इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद से आपको सिंपल यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है, उसके बाद से ये विंडो ओपन होगा, इसे आपको अभी यहाँ पे मिनिमाइज कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर बेटा लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये एक टैब भी ओपन होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके होम पेज पे राइट साइड में आपको रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके होम पेज पे जितना भी बटन दिया है, जो भी सेटिंग दिया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर अंदर जितना सेटिंग दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद से अलग अलग तरीके से हम रिकॉर्डिंग करके उसका सैंपल देखेंगे कि हमें कैसा आउटपुट मिलता है। तो यहां आते हैं लेफ्ट साइड में, यहां पर देखिए सिलेक्ट अ रीजन, आप जब यहाँ फुल स्क्रीन के बटन, ये रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फुल स्क्रीन, यानी कि आप अपने पूरे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे सिलेक्ट विंडो, आप विंडो में कहीं भी किसी भी जगह को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट रीजन, इस पे क्लिक करके आप अपने स्क्रीन के पार्टिकुलर रीजन को, आप जिस भी एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतना ही एरिया को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, आपको रेशियो मिल जाता है, अगर आप 4.3 में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो देखिए ये 4.3 है, इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16.9 में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये 16.9 हो गया रेशियो। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बटन आपको मिलेगा स्पीकर का, अगर आप स्पीकर के साउंड को ऑन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बटन है मिक, यानी माइक का, अगर आप माइक के साउंड को ऑन रखना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये माइक में आपको सिस्टम साउंड भी आ जाता है और आपका माइक का साउंड भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे माउस का दिया है, अगर आप अपने माउस के इस कर्सर को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑन रखेंगे, अगर आप इस कर्सर को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है वेबकैम, अगर आप वेबकैम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेबकैम को अपने ऑन कर सकते हैं और आप यहाँ पे बैठ कर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आप वेबकैम से रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग सेटिंग,
इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है सेव टू, आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसे आप अपने कंप्यूटर के किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन है जिसके अंदर साइज है फॉर्मेट में है। यहाँ पे जब आप साइज पे क्लिक करेंगे इस रेडियो बटन पे तो यहाँ पे देखिए आप ओरिजिनल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4K है, फुल HD है, HD है, HD है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फॉर्मेट आप कौन सा चाहते हैं, MP4 में करना चाहते हैं, AVI, MKB, MOV, जिसमें भी आप आउटपुट चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेम रेट है, क्वालिटी है, उसके बाद ऑडियो का फॉर्मेट है, यहाँ पे फ्रेम रेट है ऑडियो का, वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए एक इम्पोर्टेंट सेटिंग दिया है, एड वाटर मार्क टू वीडियो। अगर आप अपने वीडियो में वाटर मार्क एड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आयोबिट का वहां पे वाटर मार्क आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अपने वीडियो में वाटर मार्क चाहेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ से इसको अनचेक करना है। उसके बाद दोस्तों इसके बगल में यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो लिस्ट का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी रिकॉर्डिंग कर रखे हैं वो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपने अगर रिकॉर्डिंग के दौरान कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके आपने अपने कंप्यूटर में जहां कहीं भी उसे सेव कर रखा है आप डायरेक्ट अपने उसमें भी जा सकते हैं, फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको हम मिनिमाइज करते हैं और अब बात कर लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दिया है, F9 दिया है आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, F10 दिया है पॉज करने के लिए, और F11 दिया है स्क्रीनशॉट के लिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड पे F11 बटन को प्रेस करना है और स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब इसके अलावा आइए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप फीडबैक के बगल में आपको 3 माइनस का निशान मिलेगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। ये था रिकॉर्डिंग सेटिंग्स और ये है जनरल सेटिंग, तो इस पे चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सेटिंग्स है। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल के अंदर पहला ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का जिसमें इंग्लिश है, तो इसको हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये आयोबिट स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर 33 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लोज कीप प्रोग्राम रनिंग इन सिस्टम ट्रे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद इसका जो आइकन होता है उसको आप हाइड करना चाहते हैं ट्रे में, या फिर इसको आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से अनचेक या फिर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेव टू, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं आप अपने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है स्पीकर, माइक्रोफोन, माउस, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ माउस के अंदर ये देखिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अपने माउस के कर्सर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस के कर्सर को हाईलाइट भी कर सकते हैं, आपका ये जो पॉइंटर है वो येलो में हाईलाइट होगा तो आप यहाँ से इसको चिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3 करके काउंटडाउन होता है, तो वो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं, ये है ऑटो हाइड डेस्कटॉप आइकन। अगर आप इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं उसके बाद से जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे ये जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं, जो भी शॉर्टकट हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, आपका सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑटो हाइड टास्क बार, अगर आप इसको आप यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं तो आपका यहाँ पे टास्क बार हाइड हो जाएगा, तो ये दोनों करके भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं और हम देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो इतना ही सेटिंग है यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा कुछ तो है नहीं। वेबकैम के लिए है, फॉर्मेट है, हॉट की तो हम ऑलरेडी देख ही सकते हैं। अगर आप इस हॉट की को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको अपना यहाँ पे माउस को क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड पे जिस भी हॉट की को आप सेट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप स्टार्ट स्टॉप के लिए F4 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो F4 प्रेस करना है। रिज्यूम और पॉज के लिए मैं सेट कर देता हूं यहाँ पे F5, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए F10 रहने देते हैं। तो ऐसे ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, करके आपको सिंपल यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम फुल स्क्रीन में रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसा मिलता है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्डिंग पे, यहाँ पे देखिए ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद से अब मैं स्क्रीन पे अपने जो भी एक्टिविटी करूंगा वो सारा एक्टिविटी इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो अब यहाँ पे 7-8 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे देखिए इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ वीडियो लिस्ट के अंदर देखिए आपको ये मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आपने जो रिकॉर्डिंग किया है आप उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डिंग, ये विंडो ओपन हो गया,
आप जिस जितने एरिया को रखना चाहते हैं, मान लीजिए रिकॉर्डिंग के अंदर आपसे कोई मिस्टेक हो गया, उसको हटाना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें ट्रिम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चलिए मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। वो सारा एक्टिविटी इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो अब यहाँ पे तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी अपने रिकॉर्डिंग को ट्रिम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ और यहाँ पे चलिए इस जो रिकॉर्डिंग किया हूँ उसको प्ले करके देख लेते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का आउटपुट कैसा आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए रिकॉर्डिंग इसका बहुत ही ओरिजिनल क्वालिटी है, परफेक्ट है, किसी भी तरह का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तो दोस्तों ये हो गया फुल स्क्रीन में। अब इसके अलावा ये इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट रीजन करके करता हूँ और मैं इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना ही एरिया को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसके बाद छोड़ दिया, रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब इस सिर्फ इतना ही एरिया को ये रिकॉर्ड करेगा, उसके अलावा ये बाकी जो एरिया स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, टास्क बार को नहीं करेगा, सिर्फ इतने एरिया को करेगा। तो चलिए यहाँ पे 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो गया, बंद करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे इसको भी यहाँ पे चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए सिर्फ उतना ही एरिया यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे रेशियो में भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा जरूरी जो चीज है वो यहाँ पे देखते हैं कि इस पे मैं 3 माइनस पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो दिया था कि ऑटो हाइड डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे देखिए मैं इसको चेकमार्क करता हूँ। चेकमार्क करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ फुल स्क्रीन में ही है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन से जितना शॉर्टकट था, आइकन था, वो सारा यहाँ से गायब हो गया और अब जो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा उसमें कोई भी आइकन शो नहीं करेगा, कोई भी उसमें शॉर्टकट आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे बंद करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग आ गया, तो इसको प्ले करके भी देख लेते हैं कि इसके आउटपुट में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है, इसमें देखिए आपको कहीं पे भी उसमें आपको आइकन नहीं दिखेगा, शॉर्टकट नहीं दिखेगा। तो ऐसे आप अपने डेस्कटॉप के आइकन्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टास्क बार को हाइड करना चाहते हैं तो वापस आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखिए ऑटो हाइड टास्क बार को मैंने चेकमार्क किया, सेव पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब ना यहाँ पे डेस्कटॉप का कोई आइकन दिख रहा है और ना ही यहाँ पे देखिए कोई भी टास्क बार दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे आ गया, इसको भी प्ले करके हम देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई देता है और नहीं देता है। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ स्क्रीन है, स्क्रीन पे कोई भी आइकन नहीं है, यहाँ पे कोई भी टास्क बार नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डर है। अगर आप मेरी तरह एक यूट्यूबर है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।